अकाउंटिंग नो प्रॉब्लम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। टेली प्राइम की इस वीडियो सीरीज के आज के अध्याय में आप जानेंगे जर्नल क्या है और इसमें ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड करते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको बताया था कि गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार दोहरा लें कि अभी तक हमने आपको क्या क्या बताया है। शुरू से लेकर अभी तक की वीडियोस में आपने जाना कि अकाउंटिंग क्या है, डबल एंट्री सिस्टम क्या है, अकाउंट क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं और गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। इस वीडियो से हम मैनुअल अकाउंटिंग की प्रोसेस को समझना शुरू करेंगे, जिसमें सबसे पहले किसी ट्रांजेक्शन से प्रभावित होने वाले खातों को पहचानना, उसके बाद ये देखना कि खाते किस प्रकार के हैं और कौन सा खाता डेबिट होगा, कौन सा खाता क्रेडिट होगा, और साथ ही समझेंगे जर्नल क्या है और उसमें एंट्री कैसे करते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं मैनुअल अकाउंटिंग। भविष्य में हम टैली पर अच्छे से काम कर सकें, इसके लिए मैनुअल अकाउंटिंग के तरीके को समझना जरूरी है। मान लीजिए हमने एक व्यवसाय आरंभ किया जिसमें कुछ ट्रांजेक्शन हुए हैं जिन्हें हमने अपनी सामान्य भाषा में लिख लिया है। 1 अप्रैल को हम व्यापार प्रारंभ करने के लिए 1,00,000 रुपए नकद पूंजी यानी कैपिटल लाए। 5 अप्रैल को हमने 20,000 रुपए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नकद जमा करके खाता खोला। 6 अप्रैल को राम शर्मा को नकद 2,000 रुपए उधार दिए और 6 अप्रैल को ही व्यापार के लिए 51,000 रुपए का माल नकद खरीदा। 6 अप्रैल को हमने जो माल खरीदा था उसका गाड़ी भाड़ा 100 रुपए नकद दिया। जो माल हमने खरीदा था 7 अप्रैल को उसे 75,000 रुपए में नकद बेच दिया। 9 अप्रैल को हमने 10,000 रुपए नकद देकर एक मोबाइल खरीदा। 10 अप्रैल को हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 3,000 रुपए का चेक देकर साइकिल खरीदी। 11 अप्रैल को हमने 5,000 रुपए नकद अपने ऑफिस का किराया दिया। 1 मई को हमने मोहन को अप्रैल माह की तनख्वाह 5,000 रुपए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेक से दी। 1 मई को हमने जो माल किसी व्यक्ति को अशोक ट्रेडर्स से दिलवाया था, अशोक ट्रेडर्स से हमें उसका कमीशन 5,000 रुपए चेक द्वारा प्राप्त हुआ, जो हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खाते में डिपॉजिट किया। 1 मई को हमने सुपरमार्केट से 10,000 रुपए का माल उधार खरीदा। ये अभी हमने 1 अप्रैल से 1 मई तक के कुछ ट्रांजेक्शन्स देखे। इन ट्रांजेक्शन्स के आधार पर हम मैनुअल अकाउंटिंग के तरीके को स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। सबसे पहले हमें इन ट्रांजेक्शन की एंट्री जर्नल में करनी होगी, पर उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जर्नल क्या है। जर्नल प्रारंभिक लेखे की उस पुस्तक को कहते हैं जिसमें व्यापारी द्वारा अपने सौदों की तिथिवार क्रमानुसार तथा दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांतों के अनुसार संक्षिप्त विवरण के साथ विधिवत डेबिट तथा क्रेडिट पक्ष में एंट्री की जाती है। यहाँ हम आपको एक जर्नल एंट्री दिखा रहे हैं। जब भी हमें जर्नल में कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना होता है तो उस पर काम करने के कुछ नियम हैं। ये हमेशा ध्यान रखें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। टैली में भी हमें इन्हीं नियमों के आधार पर काम करना होगा। ये नियम हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले आप ट्रांजेक्शन सामने रखकर ये देखें कि प्रभावित होने वाले 2 खाते कौन से हैं, उनका नाम क्या है या उनका क्या नाम दे सकते हैं, दोनों खाते किस प्रकार के हैं, जैसे पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट या नॉमिनल अकाउंट, इनमें से किस तरह के खाते हैं, इन दोनों खातों के बारे में गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या कहते हैं, यानी इनमें से कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा क्रेडिट होगा। तो ये 3 बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब हम अपने ट्रांजेक्शन देखते हैं। हमारा पहला ट्रांजेक्शन है 1 अप्रैल को हम व्यापार प्रारंभ करने के लिए 1,00,000 रुपए नकद पूंजी यानी कैपिटल लाए। अब सबसे पहला सवाल है कि हमें ये देखना है कि इस ट्रांजेक्शन में प्रभावित होने वाले 2 खाते कौन से हैं। ट्रांजेक्शन को ध्यान से देखें, यहां नकदी आई है तो ये हुआ 1 खाता। अब दूसरा खाता देखते हैं, नकदी कौन लाया है। हम यानी व्यापार का स्वामी नकदी लाया है। जैसा कि हमने आपको कैपिटल की परिभाषा में बताया था कि जब कोई व्यक्ति अपने व्यापार में कोई संपत्ति या माल या नकदी लाता है तो यह उसकी पूंजी कहलाती है।
तो ये हुआ हमारा दूसरा खाता। यानी इस ट्रांजैक्शन से प्रभावित होने वाले दो खाते हैं, नगदी यानी कैश और पूंजी यानी कैपिटल। अब दूसरा सवाल है कि ये खाते किस प्रकार के हैं। टाइप्स ऑफ अकाउंट के आधार पर आपको ये निर्णय करना है। देखिए, नगदी का खाता रियल अकाउंट है और पूंजी का खाता पर्सनल अकाउंट। आगे हम आपको एक लिस्ट ऑफ अकाउंट्स देंगे जिससे आपको खाता किस प्रकार का है ये ढूंढने में आसानी होगी। अब तीसरा सवाल है, कौन सा खाता डेबिट होगा और कौन सा क्रेडिट। तो ये यहाँ पर हम गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के हिसाब से देखें तो पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत पूंजी आई यानी प्राप्त हुई तो हमें देने वाला हुआ कैपिटल अकाउंट। और गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के आधार पर इसका नियम है, देने वाले को क्रेडिट करो मतलब कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। अब हम देखते हैं दूसरा खाता जो रियल अकाउंट के अंतर्गत कैश का है, उस पर भी गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के क्या नियम है ये देख लेते हैं। इसके अनुसार जो वस्तु व्यापार में आए उसे डेबिट करो, क्योंकि कैश व्यापार में आया है इसलिए कैश अकाउंट डेबिट होगा। उपरोक्त आधार पर हमने ये निश्चित किया कि जर्नल में इस ट्रांजैक्शन की एंट्री इस प्रकार होगी जिसमें कैश अकाउंट डेबिट होगा और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। यहाँ नीचे हमने नरेशन भी लिखी है। नरेशन से तात्पर्य है किसी भी लेन देन का संक्षिप्त विवरण। और जैसा कि आप देख भी रहे हैं, हमने जर्नल में जो एंट्री की है उसमें क्या हुआ है वो इस नरेशन से ज्ञात होता है। देखिए, जर्नल के निश्चित प्रारूप में हमने पहले ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर दिया और इसके बाद उपरोक्त बताए नियमों के आधार पर हमने सभी ट्रांजैक्शन का अध्ययन करके उनको भी जर्नल में रिकॉर्ड कर लिया है। अभी हमने ये जो जर्नल में एंट्रीज की हैं, उन्हें हम आगे टैली में काम करते समय विस्तार से समझेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि टैली में जर्नल का काम अलग अलग वाउचर के माध्यम से किया जाता है, इसे भी हम आगे समझेंगे। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लेजर क्या है और जर्नल से लेजर में पोस्टिंग कैसे की जाती है।